दोस्तों बजाज ने नई 150 सीसी की पल्सर P150 को लॉन्च किया है, जो कि देखने के मामले में बिल्कुल ऐसी ही लगती है जैसे कि इनकी N160 लगती है, N250 लगती है। मतलब कि ये जो बजाज का नए वाला डिज़ाइन है बिल्कुल ऐसी ही अभिनव ने 150 सीसी की मोटरसाइकिल भी बना दी, जो कि ये यामाहा FZ से देखने में ज़्यादा बेहतर लगती है, ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, और उसमें आपको स्प्लिट सीट्स भी दी जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाता है। और अगर आप कीमत के मामले में बात करते हो तो दोस्तों ये जो बजाज पल्सर P150 का डुअल डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट है उसकी दिल्ली एक शोरूम कीमत लगभग 1,20,000 के आसपास है, और अगर आप ये यामाहा FZ के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों इसकी दिल्ली एक्सशोरूम कीमत लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों देखिए कीमतों के मामले में तो वैसे दोनों ही मोटरसाइकिल के डुअल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंटों में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लुक्स के मामले में बात करोगे, आप फीचर्स के मामले में बात करोगे, या फिर आप जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हेडलैम्प के मामले में प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाता है, स्प्लिट सीट दी जाती है, दोस्तों इन मामलों में तो बजाज पल्सर P150 काफी बेहतर हो जाती है और काफी देखने में अच्छी भी लगती है। लेकिन बजाज पल्सर P150 के स्पोर्टी डिजाइन, स्प्लिट सीट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प होने के बाद भैया मेरा कहना यह है कि 150 सीसी के सेगमेंट में ये जो यामाहा FZ है यही आज के टाइम में भी बजाज पल्सर P150 से बेहतर ही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अब दोस्तों ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, वही बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से सारी इंफॉर्मेशन सही से मिलती है, तो फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑल पर जरूर करेंगे, जो आपको ऐसे ही हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सबसे पहले डिज़ाइन और लुक्स के मामले में ही बात करते हैं, तो दोस्तों देखिए वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता रहा था कि जो बजाज पल्सर P150 है वो आपको देखने में ज़्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश लग सकती है, क्योंकि दोस्तों उसका लुक्स तो आपको ऐसे ही दिए जैसे कि इनकी N250 के होते हैं, N160 के होते हैं, जो कि देखने में वाकई में काफ़ी अच्छी भी लगती है। और ये जो यामाहा FZ है ये देखने में थोड़ी सी आपको सिंपल लग सकती है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो ऐसी ही रखी गई है जैसे कि एक कंप्यूटर मोटरसाइकिल की होती है, और यहाँ पर ये अब आपकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं के मामले में, तो दोस्तों ये जो यामाहा FZ है इसमें आपको वैसे तो फुली LED सेटअप दिया जाता है, आपको DRLs भी दिए जाते हैं, लो बीम हाई बीम पूरा का पूरा आपको LED सेटअप दे रखा है, लेकिन दोस्तों जो बजाज पल्सर P150 होती है उसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाता है, जो कि यामाहा FZ में नहीं आता है। बाकी अगर आप इंडिकेटर्स के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। और यहीं पर अगर आप बात करते हैं टेल लाइट के मामले में, तो दोस्तों ये जो यामाहा FZ है इसके रियर में तो आपको हैलोजन बल्ब वाली ही लाइट दे रखी है, लेकिन अगर आप इसका S वेरिएंट लेते हैं या फिर आप डिलक्स वेरिएंट लेते हैं तो दोस्तों उनमें आपको LED टेल लैंप भी दिया जाता है, लेकिन पल्सर P150 के सभी वेरिएंट के रियर में आपको LED टेल लैंप भी दिया जाता है। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको कट ऑफ साइड स्टैंड दिया जाता है, और जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स होते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल के मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं, आपको सभी बेसिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये जो यामाहा FZ है इसके सभी वेरिएंट में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो ये साइज है ये थोड़ा सा छोटा ही है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी छोटी छोटी दिखाई देती है। यहीं पर अगर आप पल्सर P150 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों उसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, और यहाँ पर भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको कौन सा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद आता है या फिर आपको डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन पसंद आता है। बाकी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे तो पल्सर P150 का ही देखने में ज़्यादा बेहतर लगता है। और फीचर्स के मामले में एक और चीज़ की अगर आप ये यामाहा FZ खरीदते हैं तो फिर तो आपको इसमें कोई भी ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर आप इसका डिलक्स या फिर S वेरिएंट खरीदते हैं जो कि इससे थोड़े से महंगे होते हैं, अगर आप उनको खरीदते तो फिर उनमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी भी दी जाती है, जो कि आपको बजाज पल्सर P150 में नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों अगर आप ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी के हिसाब से देखोगे तो फिर ये यामाहा FZ ही थोड़ी सी बेहतर हो जाती है अगर आप इसका X या फिर डिलक्स वेरिएंट खरीदते हैं। और सीट और स्पेस के मामले में अगर आप ये यामाहा FZ खरीदते हैं तो दोस्तों इसमें आपको ये सिंगल पीस वाली ही सीट दी जाती है, जिस पर राइडर के लिए और पिलियन के लिए पूरा स्पेस होता है, और काफी अच्छी ये सीट है, काफी स्पेशियस है, काफी ब्रॉड है। और यहीं पर अगर आप पल्सर P150 की सीट के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप उसका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो उसमें तो आपको कुछ ऐसी ही सीट दी जाती है, हालांकि वो इससे थोड़ी सी नैरो है। बाकी अगर आप उसका डुअल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो उसमें आपको स्प्लिट सीट दी जाती है, जो कि आपको ये यामाहा FZ में नहीं दी जाती, और यहाँ पर भी ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि आपको किस तरह की सीट ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सिंगल पीस वाली सीट के मामले में बात करोगे तो ये ज़्यादा स्पेशियस होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और पिलियन के लिए तो यही थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती है। वहीं पर अगर आप ये स्प्लिट सीट के मामले में बात करते हैं तो वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी स्पोर्टी होती है, लेकिन वो पिलियन के लिए इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। तो यहाँ पर ये अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको किस तरह की सीट चाहिए।
इस सब के अलावा अगर आप प्रैक्टिकलिटी के मामले में बात करते हो, आप ड्राइव इंप्रेशंस के मामले में बात करते हो, या फिर आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के मामले में बात करते हो, तो वहाँ पर कुछ मामलों में ये यामाहा एफजेड पल्सर P150 को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। और वही मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किन किन मामलों में ये जो यामाहा एफजेड है ये नए वाली पल्सर P150 को भी पीछे छोड़ देती है। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के मामले में, तो दोस्तों जो पल्सर P150 होती है उसमें भी आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, उसके फ्रंट में भी आपको ABS सेटअप दिया जाता है और इसके फ्रंट में भी आपको ABS सेटअप दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो ये डिस्क है ये आपको 282 mm की दे रखी है, और जो पल्सर P150 में डिस्क आती है वो आपको 260 mm की ही दी जाती है, यानी कि यामाहा एफजेड में आपको बड़ी डिस्क दी जाती है। सस्पेंशन के मामले में देखिए दोनों ही मोटरसाइकिल के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकली बात करोगे या फिर आप साइज के मामले में बात करोगे तो ये जो यामाहा एफजेड वाले फोक्स होते हैं ये उससे थोड़े से ज्यादा वाइडर है, और पल्सर P150 वाले सस्पेंशन से तो ये हर मामले में ही बेहतर है। और टायर के मामले में भी जो पल्सर P150 होती है उसमें आपको 90x90 सेक्शन का टायर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो यामाहा एफजेड है इसमें आपको 100x80 सेक्शन का टायर दिया जाता है। हालांकि दोनों टायर आपको 17 इंचेस के ही मिलने वाले हैं, मतलब कि पल्सर P150 और ये यामाहा एफजेड दोनों में ही आपको 17 इंचेस के व्हील दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप टायर सेक्शन के मामले में बात करोगे तो दोस्तों फ्रंट टायर में तो फिर भी ज्यादा फर्क नहीं आता, ये थोड़ा सा ही वाइडर आपको दे रखा है। लेकिन दोस्तों अगर आप रियर टायर के मामले में बात करते हैं, पल्सर P150 में वही पहले की तरह बस 110 mm वाइडर टायर दिया गया है, वहीं पर यामाहा एफजेड के रियर में 140 mm वाइडर टायर दिया जाता है, जो कि पल्सर वाले टायर से हर मामले में बेहतर है। और रियर सस्पेंशन सेटअप्स के मामले में देखिए, वैसे तो दोनों ही मोटरसाइकिल के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिए जाते हैं, लेकिन फिर से अगर आप प्रैक्टिकलिटी के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों ये जो यामाहा एफजेड वाला मोनोशॉक है यही थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको 7-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट भी दी जाती है, जो कि आपको बजाज पल्सर P150 वाले मोनोशॉक में नहीं दी जाती। बाकी दोस्तों अगर आप ब्रेक्स के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों पल्सर P150 में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो मोटरसाइकिल ड्रम ब्रेक या फिर आप डिस्क ब्रेक के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो यामाहा एफजेड है इसके सभी वेरिएंट्स के रियर में आपको डिस्क ब्रेक ही दिए जाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि व्हील्स, सस्पेंशन, टायर्स, ब्रेक्स, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, इन सभी के मामले में ये यामाहा एफजेड बजाज पल्सर P150 से बेहतर है। और इंजन और गेयरबॉक्स के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 150cc के एयर कोल्ड इंजन दिए जाते हैं, और अगर आप पावर फिगर्स के मामले में बात करोगे तो दोस्तों ये जो यामाहा एफजेड वाला इंजन है ये आपकी 12.5 BHP के आसपास की पावर ही निकालता है, लेकिन जो ये बजाज पल्सर P150 वाला इंजन है वो आपकी यही कोई 14 BHP के आसपास की पावर निकाल लेता है। मतलब कि जो बजाज वाला इंजन है वो 2 BHP की पावर ज़्यादा निकाल रहा है और ज़्यादा पावरफुल भी है। तो मतलब अगर आप अपनी मोटरसाइकिल से जूझना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छा एक्सेलेरेशन चाहिए और टॉप स्पीड थोड़ी बेहतर चाहिए, तो फिर तो बजाज पल्सर P150 से ज़्यादा भाग जाएगी। लेकिन उस सब के अलावा जैसे कि आजकल पेट्रोल काफ़ी महंगा हो रहा है, अगर आप माइलेज के मामले में बात करोगे तो दोस्तों आप 150-160 cc की कोई भी मोटरसाइकिल ले आओ, इस इंजन का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। ये मोटरसाइकिल आपको 50 km/L के आसपास का माइलेज काफ़ी आराम से दे देती है, और अगर आप इसको आराम से चलाते हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको 55 km/L तक का भी माइलेज दे सकते हैं। और इतना माइलेज तो पल्सर का 125cc का इंजन नहीं दे पाता, तो फिर आप 150cc तो क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप बात करते हैं रिफाइनमेंट और वाइब्रेशंस के मामले में, तो फिर दोस्तों उस मामले में भी इस इंजन का कोई भी तोड़ नहीं है। और गेयरबॉक्स के मामले में वैसे तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 5-स्पीड गेयरबॉक्स दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जितने स्मूथली यामाहा के गियर शिफ्ट हो जाते हैं उतने स्मूथली बजाज पल्सर के नहीं होते हैं, और जो ट्रांसमिशन होता है वो भी ये यामाहा एफजेड का ही बेहतर है। और अब देखिए, वैसे तो मैं आपके आगे सारी की सारी बातें कर ही चुका हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी मैं अपने एक वर्डिक्ट की बात करूँ तो जिनको लुक्स चाहिए, जिनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, जिनको पिकअप चाहिए, वो बजाज पल्सर P150 के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जिनको अच्छी हैंडलिंग चाहिए, अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिकलिटी चाहिए, अच्छा कम्फर्ट चाहिए, अच्छे सस्पेंशन चाहिए, अच्छे रिफाइनमेंट चाहिए, ज़्यादा रिलायबल इंजन चाहिए, और एक 150cc की मोटरसाइकिल होने के बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल आपको अच्छा माइलेज चाहिए, तो फिर आपको ये यामाहा एफजेड के साथ जाना चाहिए। इन मामलों में इस यामाहा एफजेड का किसी के पास भी कोई तोड़ नहीं है। आप टीवीएस में अपाचे को देख लो, बजाज में पल्सर को देख लो, या आप किसी भी मोटरसाइकिल को देख लो, इन सब मामलों में तो ये यामाहा एफजेड की आज के टाइम में कोई भी टक्कर है नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट, बाकी अब आपका इस पर क्या कहना है, आपको कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा बेहतर लग रही है, आप अपने लिए कौन सी लेने वाले, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।